हाय फ्रेंड्स, मैं किचन फूड में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साइड में ज़्यादा फेमस है। तो चलो आज हम दाल मखनी बनाते हैं। दाल मखनी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। कटा हुआ प्याज, टोमेटो की प्यूरी, अदरक लहसुन की पेस्ट, दाल मखनी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, घी, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, स्लाइस्ड हरी मिर्च, स्लाइस्ड अदरक, जीरा, हरी इलायची, तेजपत्ता, करी लीव्स और हींग। हमने रात को ही काले उड़द और राजमा को 7 से 8 घंटों तक पानी में भिगोया है। फिर इसको वॉश करके प्रेशर कुकर में लेकर उसमें 2 कप पानी डालेंगे और 7 से 8 सीटी आने तक उसको कुक करेंगे। हमने 9 सीटी लगाई है, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, फिर इसका ढक्कन निकाल कर हम देखेंगे हमारे उड़द और राजमा अच्छे से पके हुए हैं। हम इनको एक बाउल में लेंगे और मैशर की मदद से थोड़ा सा उसको मैश करेंगे। ये अच्छे से स्मैश होके रेडी हैं। अब हम मखनी बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम 2 चम्मच घी लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें जीरा, हरी इलायची, तेजपत्ता और करी लीव्स डालेंगे। अच्छे से एरोमेटिक होने तक उसको फ्राई करेंगे। आप घी की जगह ऑयल और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज है वो डालेंगे और उसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे। अदरक लहसुन की जो पेस्ट बनी थी वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सॉफ्ट होने तक उनको फ्राई करेंगे। ढक्कन ढक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फिर इसमें जो टोमेटो की प्यूरी बनाई थी वो ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से ऑयल छूटने तक फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून दाल मखनी मसाला है वो ऐड करेंगे। दाल मखनी मसाला ऑप्शनल है, नहीं है तो भी चलेगा। और अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालेंगे, स्लाइस किया हुआ अदरक और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से उसको भी फ्राई करेंगे। वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें स्मैश किया हुआ राजमा और उड़द डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। और मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको ढक्कन रख के हम इसको 5-7 मिनट तक कुक करेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, अब हमारी दाल मखनी रेडी है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और दाल मखनी को हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और ऊपर से घी और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर दाल मखनी खाने के लिए रेडी है। इसको हम राइस के साथ सर्व करते हैं। दाल मखनी इज रेडी।